करोगे तो मुझे वापस कैसे देखोगे। हेलो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा टू एवरीवन, और सेकेंडली थैंक यू सो मच मेरे 1K के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने के लिए। और आज का व्लॉग है वो नवरात्रि धमाका का आखिरी एपिसोड होने वाला है, और आज मैं गारंटी लेती हूँ आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए, आज जो होने वाला है वो ये है कि मैं आज जा रही हूँ बड़कुल स्वीट्स, और वहां मैं सारा कवर करने वाली हूँ, सारा फलहार। और जहाँ पे आप लोग अभी जैसे फास्ट चलते रहते हैं तो आप लोग फलहार बहुत कम पैसों में फलहार कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग। फलारी रहता है। okay. ये खोवे की जलेबी है, ये खोई शुद्ध घी से बनती है, और इसमें खोवा रहता है और तेखुर रहती है, ये भी फलारी में आती है। ये मिल्क केक है, दूध से बनता है, ये भी फलारी रहता है। और एक मिश्री मलाई है, दूध की भी बनती है, ये रबड़ी है, रबड़ी है, फलारी रहती है।
ये सारे मीठे टेस्ट करने वाले हैं, तो चलिए ना टेस्ट किया जाए पहले। लेट्स टेस्ट मिल्क केक पहले, ठीक है। खोए की जलेबी आखिरी में टेस्ट करेंगे क्योंकि वो सबसे स्वादिष्ट होगी। लिटरली लग रहा है ये देसी घी का है, एकदम शुद्ध घी का है, बहुत टेस्टी। एकदम सॉफ्ट छेना है, बहुत टेस्टी, एकदम घर वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है घर का रसगुल्ला खा रहे हैं। अब ये जो सिंघाड़े वाली जलेबी है ये ट्राई करते हैं।
बहुत गर्म है, बहुत टेस्टी है, एकदम फ्रेश दूध लग रहा है, मस्त है। तो जैसे कि अब ठंड भी आ रही है तो केसर का दूध बहुत ज्यादा चलने वाला है, ठंड में बहुत चल रहा होगा भैया। 12 महीने चलता लेकिन ठंड में मजा ही अलग है ना, ठंडे में मजा ही अलग है दूध पीने का यार, वो भी गरम गरम दूध, मजा ही आ जाता है। गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था बड़कुल और महावीर दूध भंडार जो मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पे जबलपुर के बेस्ट पलाज मिलते हैं, और भी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को पर्टिकुलरली यही दूध बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत टाइम से भी है और बहुत फ्रेश और बहुत ही जो है इनका खोवा बहुत ही सही रहता है और बिल्कुल देसी घी के ये लोग आपको चीज़ें देते हैं। तो दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो, देखते रहिए देसी मान्या। जय हिंद।